सो हे गाइस, वेलकम बैक रैंस मॉड्यूलेशन के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत करते हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने फाइनली जितने भी मीट्स थे उस सबको कूलर्स में पुट अप कर दिया। थोड़े बहुत गोट मीट बचे वो हम बाद में कर देंगे। इसके अलावा जो पाइनएप्पल्स है उसको भी हमने बॉक्सेस में भरना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आगे जाके हमको इन सबको सेल करना है। एक दिन में नहीं बेच सकते बिकॉज जो प्राइसिंग है वो एक दिन में सारे के नहीं आते, कुछ कुछ के आते। तो भैया अब अपने को जो एक बार में बेचने का जो प्लान था उसको हम पूरा का पूरा कैंसिल कर रहे हैं। टुकड़ों में बेच के हम 1 मिलियन करेंगे। बट आज मैं अपने काउ फार्म जो मिल्किंग काउ फार्म है उसको मैं अपडेट करने वाला हूं। तो लेट्स गेट इनटू द गेम प्ले। ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके अपने रैंच में और एक अपटित घटना हो चुकी है। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की और मैं अपना ये काम स्टार्ट भी कर दिया और मैं बहुत कुछ बकर बकर करके चला भी गया। बट एनीवेज, हम फिर सबको बता देते हैं कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम अपने रैंच में जो काउ वाला फार्म है उसको हम डबल फ्लोर करने वाले थे। हालांकि एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करा कि आप उसको लंबा करिए, आप उसको डबल फ्लोरिंग मत करिए। बट द थिंग इज दैट, मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करना चाहूंगा, अगर मैं उसको लंबा करता हूं तो वो काफी जगह घेरेगा और वो लुक वाइज उतना कुछ खास नहीं होगा। मेरा पीछे वाला एरिया भी ब्लॉक कर देगा। और अगर इसको मैं तोड़ के बनाता हूं तो मैं अपने काउ को कहां रखूंगा, इवन चीज फैक्ट्री को भी फिर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा जो अभी के टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा चलो अभी के टाइम के लिए, फिलहाल के लिए, कुछ समय के लिए भाई की बात भी रखते हैं कि हाँ कुछ समय के लिए इसको डबल फ्लोरिंग करते हैं, उसके बाद में जाके हम आगे इसको शिफ्ट करेंगे। हाँ ये बात पक्की है कि मैं इसको शिफ्ट करने वाला हूँ, इसको शिफ्ट करके लंबे में कर देंगे जिससे मैं बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े और मेरे गायों को भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, काउ के जो खाना है वो देख लेते, क्योंकि वो काम करते करते, मैंने रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट नहीं की, काम करते करते वो छूट गया। तो पहले भाई खाना देख लेते क्योंकि खाना भाई बहुत तगड़े तरीके से खत्म हो रहा है। और देख रहे हो पिक्स कितने ज्यादा हो रहे, बहुत भर भर के हो रहे। बट यहाँ पे मैं मेल पिक्स को ज्यादा देर रख नहीं रहा हूँ, बस फीमेल पिक्स को रख रहा हूँ। और जो पिक्स बच्चे बच्चे नहीं कर रहे तो उनको भी अपन साइड करते जा रहे हैं, तो जिससे कि अपना जो फार्मिंग है वो प्रॉपर चलता रहे, ज्यादा लोड ना हो, सर्वर भी इजिली चलता रहे। इस कारण से मैंने सोचा है कि इसको जितना हो सकता है उतना सॉर्टेड रखेंगे और जिनकी ज्यादा उम्र हो रही है उसको अपन खत्म कर देंगे, उनके जो मीट्स है उसको साइड कर देंगे। और 1 मिलियन का तो मैंने पहले ही बोल दिया कि भैया वो टुकड़ों में ही होगा, 1 को में नहीं होगा। हालांकि मैं अभी इसके लिए प्लैंक्स लेने जा रहा हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसा मॉडल है। हालांकि इसको करते करते नीचे का गेट भी टूट गया मेरे से। ये देखो डबल फ्लोरिंग मैंने कर दिया, बीच वाला हिस्से को छोड़ दिया। हालांकि यहाँ पे फ्लोर लग नहीं रहा था ऊपर वाला, तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी जगह अपने सोचा है कि काउ उसको यहाँ से ले जाएंगे, या तो एक लंबा एरिया है यहाँ से अपन ले जा के अपन रख सकते हैं। तो देखो ये ऊपर वाला फ्लोर अपन बन रहा है, इसमें अपन ने बकायदा गेट भी दे रहे हैं। और थिंग इज दैट कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे मैं सेम ऐसा बनाने वाला हूँ, दोनों तरफ से ब्लॉक्ड रहेगा बट सामने से ओपन रहेगा। हमको बाय चांस किसी काउ को नीचे लाना है तो हम फिर से सीढ़ी के रास्ते नहीं लाएंगे, सीधा यहाँ से अपन नीचे जंप करा देंगे। बाकी अगर हमको लाना है तो लाने का रास्ता एक ही है, सीढ़ी। तो अभी इसके लिए मेरे को चाहिए प्लैंक्स, तो प्लैंक्स में इकट्ठा करने गया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे वुड्स कटे हुए हैं जो कट के मैंने प्लैंक बना के रखे। तो उन प्लैंक्स को अपन लेकर आते हैं और फटाफट से लगाना स्टार्ट करते हैं और इस काम को जल्द से जल्द खत्म करते हैं, क्योंकि भैया जितने ज्यादा काउ होंगे उतना ज्यादा हमारा चीज का प्रोडक्शन होगा। एंड यहाँ का मैंने प्लैंक्स उठा लिया है तो यहाँ पे कुछ और प्लैंक्स मेरे पास बने रखे, तो इसको भी फटाफट से रख लेते क्योंकि थोड़े प्लैंक्स लगेंगे, क्योंकि ऊपर का फ्लोरिंग के बाद भी मेरे को ना छत का काम भी करना है। और आज के एपिसोड में हम सब कुछ कर देंगे गाइस, सब कुछ कर देंगे, इवन कलरिंग वलरिंग सब कुछ कर देंगे। कॉम्पैक्ट होना चाहिए हर चीज को, अगर फैलाएंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। उसको जितना हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं उतना कॉम्पैक्ट हम करके रखेंगे। इसको मैं रख लेता हूं एंड इतना मेरे हिसाब से अभी के लिए ठीक है, लगेगा तो अपन और ले जाएंगे क्योंकि ये मेरे जस्ट घर के साइड में ही है। मेरे को इतना लोड नहीं है कि भाई मेरे को बार बार मार्केट जाना पड़े, यानी हार्डवेयर स्टोर जाना पड़े एंड चीजों को लाना पड़े, वैसा सिस्टम नहीं है। मेरे घर के पास में ही है, बस आओ गाड़ी में भरो और निकल जाओ। यहाँ पे अभी भी वुड रखे हुए, वो आगे जाके मैं इकट्ठा करके इसको अपन फिनिश कर देंगे। बट फिलहाल के लिए तो अभी ये वाला काम तो कर दे। अरे यार ये बग्गी है ना इस ट्रेलर को नहीं संभाल पाता, ये चीज तो मैं समझ गया। थिंग इज दैट कि क्या ये घुसेड़ देगा ये पूरा रोल, अगर अंदर चला जाए ना मतलब दिल खुश हो जाए, नहीं होगा ना। फिर तो मैं सोच रहा फिर गाड़ी को मैं इधर लगा देता हूँ सीढ़ी के पास, यहाँ से ऊपर चढ़ के ऊपर से ले लेके आ जाऊंगा। अरे यहाँ से उठेगा नहीं उठेगा? हाँ उठेगा 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 गाइस, उठेगा, सब होगा गाइस, सब होगा। चलो ये भी एक मिनट लगेगा, हाँ ये लग गया, कोई लगा देते हैं। पहले ऊपर का फ्लोर कंप्लीट कर लेते हैं, देन विल हेड टू अदर प्लेसेस। अरे भाई इसके लिए पता है मेरे को जाना ही पड़ेगा, पहले मैंने सोचा नहीं जाके भी हो जाएगा क्या, एक काम करते ना नीचे से लगाते ना। अरे भाई साहब ये पॉसिबल तो है ना नीचे से? ओके ग्लासेस लाने हैं तो चलो बाद में ले आएंगे, अभी तो फिलहाल तो इसको कंप्लीट कर देते। 1 2 3 और भी है मेरे पास, रुक जाओ, प्लैंक सारे प्लैंक्स अपन फटाफट से लगा देते हैं, ऊपर का ये खत्म हो जाए। और हाँ ये जो दिख रहा है ना छत, इसके नीचे लाइट आएगी तो देखने में भी बहुत मस्त लगने वाला है।
समझ रहा हूँ, पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ अपन काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो मिनट रुक जाओ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, यहाँ पे शायद मैंने फ्रेम का काम नहीं किया, तो एक बार फ्रेम का काम भी अपन देख लेते, शायद फ्रेम का काम थोड़ा सा रुका हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर देते। फिर थोड़े से ग्लास ले आएंगे तो चारों तरफ का काम हो जाएगा। आई थिंक इधर ग्लास का रह गया है एंड इधर भी रह गया, बस दो जगह का ग्लास का रह गया, बाकी तो सब सॉर्टेड है, ऑलमोस्ट डन है अपना। ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस अपने को इधर थोड़ा सा काम करना है। अब मेरे को यहाँ पे लगाना है ये हाफ, पहले तो हाफ वाला लगा देता हूँ, रुक जाओ। अरे यहाँ लगेगा नहीं, कैसे नहीं लगेगा भाई। अच्छा ये एकदम मुंह के पास आ रहा है, ठीक है इसको बाद में शिफ्ट कर देंगे, अभी के लिए तो इधर ऐसे ही रख देते फिलहाल, एंड यहाँ पे भी लगा देते। चलो सबके जगह पे यही कर देंगे हम, इतना मोर देन इनफ है। चलो इधर भी लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं। अब यहाँ से आराम से उठा सकते हैं हम। चलो यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, इसमें बाद में अपन काम करेंगे। यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, चलो ये भी लगा देते हैं, फटाफट से करते काम यार। इसको थोड़ा टाइम लगने वाला है बट हो जाएगा, जल्दी कर देंगे हम इसको कंप्लीट। रुक जाओ गाइस। अच्छा दो दो प्लैंक लगते हैं, अरे यार ये तो बहुत सस्ता है यार। बट मेरे को डाउट हो रहा है कि यार ये पानी वाले को शिफ्ट करने जाऊंगा ना तो अगेन बहुत सारा मेटल लगने वाला है, तो करना तो पड़ेगा यार। लेकिन वो सोच रहा हूँ मैं आखिरी में करूँ, अभी नहीं करता फिलहाल के लिए। और यहाँ पे गेट्स लगाना स्टार्ट कर देते, और यहाँ पे अपन गेट्स लगाना स्टार्ट कर देते, फेंस लगाएंगे बस, और लग जाएगा, सारे लग जाएंगे यहाँ पे। अरे लग जा मेरे भाई, लग गया। ओ भाई क्या क्लोज लगा है भाई, गिर ना जाए बस मेरे काम, लगा तो रहूँ इतना ठीक है। भाई क्या क्लोज लगाया मैंने, वैसे ठीक लग रहा है, नाइस। बट मैं आखिरी वाले में अभी नहीं लगाऊंगा, आखिरी वाले में छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं कुछ भी प्लैंक्स ऊपर नहीं ला सकता। चलो गाइस इसका यही काम है और कुछ नहीं कर सकते यार। मेरे को थोड़ा पानी वाले का सोच रहा हूँ क्या करूँ, पानी वाला मैं शिफ्ट कर दूँ, हल्का सा शिफ्ट करना है मेरे को, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, हल्का सा एकदम ज़रा सा शिफ्ट कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। वैसे डबल स्टोरी दिख तो अच्छा रहेगा इसके, बोलो यार तुम लोग बोलो कैसा लग रहा है। मेरे हिसाब से तो भाई सही है, अच्छा तो लग रहा है यार। बाई चांस काउ को नीचे करना है, सीधे यहाँ से धक्का मारो बाहर, सीधा बाहर। एंड यहाँ पे फूड का मैं सोच रहा हूँ बीच में एक लगाऊंगा, यहाँ पे एक लगा देंगे एंड यहाँ पे एक लगा देंगे, एंड दिस इज गुड। ये सही है, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है गाइस, सॉर्टेड है। बस मेरे को यहाँ पे फेंस लगाना और कुछ नहीं करना मेरे को। चलो एक लग गया, अब एक लग गया ना तो फटाफट से सारे लग जाते हैं, बस एक और ये हो गया। क्या बात है गाइस, फाइनली ये भी हो गया। एक काम करते यहाँ पे लगा देते हैं। अरे यार मेरे पास और प्लैंक की कमी हो रही है क्या, प्लैंक को लाना पड़ेगा गाइस। एक काम कर, तो गाड़ी में बैठ, तो गाड़ी को थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर दूँ, इतना मोर देन इनफ है, इतने में तो गाड़ी से उठा लेंगे अपन, कैसे भी करके उठा लेंगे, लेकिन उठा जरूर लेंगे। चलो गाइस यहाँ से अपन उठा लेते हैं एंड इधर का कंप्लीट। अरे यार बेबी क्या आदमी हो भाई, इससे अच्छा गाड़ी में इधर लगा लेते ना, लेकिन ठीक है इधर रहने दो क्योंकि अभी मेरे को फिर से प्लैंक लेने जाना ही है। चलो एक ये लग गया, ओके सात प्लैंक लग रहे हैं, ओके तो प्लैंक्स मेरे को ज़्यादा लगेगा, तो और थोड़े से और ले आएंगे और फटाफट से फिर इसको रेडी कर देंगे। वैसे तो अभी देखो सेकंड फ्लोर को बस इतना ही काम हुआ है, तो मेरे पास और कितने गाय हो जाएंगे, रुक जाओ गाइस। तो मेरे पास और हो जाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह गाय और हो जाएंगे गाइस, समझ रहे हो, बारह गाय और एक्स्ट्रा गाय बोल रहा हूँ, नीचे तो बारह है ही ऊपर भी बारह, चौबीस गाय हो जाएंगे। हालांकि इनके तादाद को बहुत कंट्रोल रखेंगे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखेंगे, बट द थिंग इज दैट कि मैं पकड़ के लाऊंगा तो डायरेक्ट मिल्क देंगे, कि पहले ये लोग ब्रीडिंग करने के बाद ही ये लोग वो करते यू नो मिल्किंग वाला प्रोसेस चालू होता है, ये मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट गेसिंग कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर तो मेरे को कहीं और छोड़ना पड़ेगा इन लोग को, उसके बाद जाके फिर लेकर आना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है, तो देखते हैं क्या करना है वो बात की बात। चलो गाइस ये तो रेडी हो चुका है, बट अगेन ये वाला पोर्शन थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। चलो गाइस अब इसका काम करते हैं अपन, फ्लोरिंग का मतलब छत का काम करते हैं, जो मेरा काफ़ी समय से पेंडिंग है। तो मेरे को थोड़ा सा इंक्लाइंड वाला ऐसा चाहिए, तो ओके तो इसके लिए मैं समझ गया क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए पहले ये, और इसके लिए भी चाहिए फिर ये, उसके बाद तो लगेगा, ऐसे थोड़ी लगेगा। रुक जाओ गाइस, और यहाँ से भी अपन रुक जाओ, हाँ नहीं ऐसा आएगा। चलो गाइस ये लगाने के बाद वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट करता है। चलो पहले देखते हैं, शायद अब रूफ पकड़ ले। अरे नीचे लगाने नहीं है भाई, क्या लॉजिक है यार इसका। चलो गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ ना, थोड़ा सा रुक जाओ, दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, इसको कंप्लीट कर देते फिर समझते यार। ये पता है ना कुछ तो डोलाबाजी चल रही है इसमें, जैसा बनाना चाहते हो वैसा बनता क्यों नहीं है। सही तो बनाया मैंने, उसके बाद भी दिक्कत। देखो सपोज करिए ये फ्लोर है, अच्छा डबल फ्लोरिंग मैंने अभी तक की नहीं ना, इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा। वैसे डबल फ्लोरिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं लेने आया था ग्लास 20 ग्लास ले जाते, इतने में मेरा आराम से काम हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। यार डबल फ्लोरिंग करना है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, मेरे को तो डाउट हो रहा है यार अभी भी।
वैसे हो तो जाना चाहिए, जब नीचे का हुआ है तो ऊपर का भी हो जाना चाहिए। तो चलो एक क्लास लगाओ, ये सबको पहले कंप्लीट करो, रुक जाओ। और एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरे को एक वो लगाना है, फ्रेम, फ्रेम नहीं मतलब ऊपर का हिस्सा लगाना है। तो यहाँ पे एक ऐसा लगा देते हैं और यहाँ पे अपन लगा देंगे। अरे ये क्या हो रहा है, रुक जाओ। ऐसा यहाँ पे अपने को लगाना है, एक वो ट्राइंगल टाइप का। तो अपना काम फिनिश, चलो ये लग गया, दिस इज़ ग्रेट। बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे यार ये नुकसान ना कर दे। चलो ग्लास व्लास सारा लगा दिया, दो यहाँ पे लगा देते हैं और थोड़े से प्लैंक्स रखे कि हाँ अभी भी रखे, थोड़े से प्लैंक्स तो रखे कम से कम। चलो इधर भी लगा देते हैं, इधर दो, इधर दो। चलो ये भी रेडी हो चुका है, इसको भी रेडी कर दे तो कम से कम। उसके बाद देखते क्या बोलता है ये, उसके बाद समझते। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ ना, फिर तो भाई मेरे पास ऑप्शन नहीं बचेगा, सीढ़ी लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा मेरे पास, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। बट सीढ़ी लगाने तक मैं जाना नहीं चाहता। तो जो गाइस देखते अब हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं इसकी जगह नॉर्मल ये वाला भी लूँ ना, वो भी देखना नाटक करेगा। रुक जाओ, कहा गया इंक्लाइन, ये लो वॉल रूफ, देखो ये भी। अरे मेरे को ऊपर लगाना है, तुम नीचे लगवा रहे हो। चलो इसके लिए अब कुछ नहीं कर सकते भाई, एक सीढ़ी लगाना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्चा करना ही पड़ेगा, उसका जाके काम होगा, ऐसा तो होगा नहीं। रुक जाओ गाइस, इसको करता हूँ मैं। यहाँ कहाँ से जा रहा है, यहीं से ले लेते फिलहाल के लिए। चलो फिर देखते हैं, अगर ये यहाँ से भी नहीं बनाना तो फिर इसको ओपन रख दूंगा मैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ओपन रख दूंगा, फिर तो मैं इसको एंटरटेन ही नहीं करूँगा। अरे साहब फिर भी प्लैंक कम पड़ गया। अब देखते अगर अब नहीं लगाना, अब मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा इस गेम को। और ये जैसा है ओपन है तो ओपन ही रहेगा। वाह अब लग रहा है, शाबाश शाबाश रेंच वालों, शाबाश। अरे साहब यार ये तो क्या मजाक है भाई, ये कैसे होगा, कोई मुझे ज्ञान दो भाई मेरे को। ये रेंच वाले को मेरे को ज्ञान देना है मेरे को कि कैसे तुम करते हो यार। चलो गाइस इसको फटाफट से कंप्लीट करते, हो गया। अब दिमाग खराब हो गया तो हो गया, जो है अब देखते हैं, जैसा भी होगा समझेंगे। अब ये लग क्यों नहीं रहा। अच्छा अरे यार पहले तो इधर के ग्लास किधर है, मैंने अभी ग्लास लेकर तो आया इतना सारा, यार बहुत टाइम लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में। तो चलो इधर तो रेडी कर दूँ, इधर रेडी कर दूँ, ये हो गया। चलो एक रेडी हो चुका भाई साहब, बड़ी मुश्किल से हो रहा है लेकिन। चलो गाइस ये काम करते हैं, फटाफट से जाते और थोड़े से प्लैंक लेकर आते, जरूरी है यार। प्लैंक तो ऐसा लग रहा है ना अभी सेकंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में उतना नहीं लग रहा था यार, सेकंड फ्लोर में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है यार। चलो यहाँ पर जितने प्लैंक्स इसको ले लेते, इधर भी रखे और उधर भी रखे हुए, तो अभी तो ठीक है, इतने में तो अपना काम होगा तो नहीं, बट ठीक है देखते कितना होता है कितना नहीं होता, कितना परेशान करता है मुझे नहीं पता। चलो गाइस अभी के लिए जितना मेरे को प्लैंक लेना चाहिए था, मतलब मेरे को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो मैं ले आया। बट प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे कंसर्न बहुत गड़बड़ चल रहा है मेरा भी, थोड़ा और आगे हो जा। एक तो ये अटक जाता है ना, कंसर्न क्या चल रहा है ना मेरा भी, मैं ऊपर बना तो रहा हूँ लेकिन वो है ना स्टैक नहीं हो रहा यार, वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। चलो फिर तो क्या, इसको तोड़ो फिर से। उफ, क्या मुसीबत है साहब, क्या मुसीबत है, मजाक नहीं करो, वो हो ही नहीं रहा यार वो स्टैक, क्या करूँ। ऊपर चाहिए मेरे को ऊपर, ये सीढ़ी लगा लगा के आधा तो मेरा सारा ही चीज़ ही चले जाएगा यार, ये तो पूरा नुकसान का ही खेल है भाई, पूरा नुकसान का खेल है भाई ये तो। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा। चलो गाइस क्या करें, अब स्टेयर्स लगाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मेरे को भाई, ऑप्शन ही नहीं है गाइस, कुछ ऑप्शन नहीं है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है। ये मेरा एक्स्ट्रा जो ये खर्चा कर रहा हूँ मैं भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। चलो देखते अब तो लग जाना चाहिए, अब नहीं लगाना तो भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं पागल हो जाऊँगा। ऑलराइट गाइस अभी मैं जितना इसको सीधा समझ रहा था उतना सीधा काम नहीं है गाइस, मजाक नहीं करो, ये सीधा काम नहीं है भाई साहब, मैं पागल हो गया हूँ। मैं जब से इतना ही बन पाया है गाइस, इतना ही बन पाया है, मैं क्या बोलूँ, इतना सीढ़ी बनाना पड़ रहा है, बार बार सीढ़ी बना बना के मैं थक गया हूँ गाइस, मजाक नहीं करो, मेरा पारा चढ़ रहा है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा भाई ये गेम देख देख के। यार इतना इलॉजिकल गेम कैसे हो सकता है यार, इतना भी थोड़ी यार एक तो ये वाला नहीं लगा सकते, यही लगाना पड़ता है, ये नहीं लगाओगे तो सही से लगता नहीं है। कैसे लगाओ इसको, ऐसे ही लग जाए मेरे भाई। चलो देखते अब इसमें लग जाए तो लग जाए, अब इसमें भी नहीं लगाना मैं पागल हो जाऊंगा भाई। गाइस मजाक नहीं करो, मैं इतना इरीटेटेड किसी में नहीं हुआ, इतना बिल्डिंग बनाया मैंने आज तक, लेकिन आज पहली बार बहुत इरीटेट हुआ इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। मतलब ये एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ ये। लगा भाई साहब मेहनत सफल हो गई, एक साइड की तो सफल हो गई गाइस, अब बाकी दूसरे साइड की नहीं पता मेरे को, एक साइड की तो सफल हो गई,
इसमें अभी प्लैंक बचे, प्लैंक लगा के इधर का हिस्सा तो खत्म कर दूं, फिर मैं जा रहा सोने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट हिस्से में अपन देखते हैं। सेकंड इसका हो जाए तो हो जाए। इसमें क्या चाहिए भाई, ग्लास चाहिए, तू ग्लास दे दे भाई इसको, भाई जल्दी से ग्लास दे दे। चलो भाई एक साइड तो कंप्लीट हो गया गाइस, बहुत बढ़िया। और मेरे को अब लगाना है एक वो बीच वाला, अब वो बीच वाला भी नहीं लगेगा, उसके भी नखरे होंगे, गारंटी नखरे होंगे यार। इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा मेरे को, मेरे को एक ही चीज़ दिख रही है मेरे को, जो चीज़ मेरे को लग रहा है करनी पड़ेगी। अभी मैं सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ, फिर मैं बताता हूँ तुमको कि क्या प्लान करना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा सा खर्चा है लेकिन मेरा काम हो जाएगा। थोड़ा सा खर्चा है बट काम हो जाएगा, करना ही पड़ेगा। चलो गाइस सोते हैं, फिर सुबह उठते समझते हैं। ऑलराइट गाइस, फाइनली एक अच्छी सी सुबह हो चुकी है, अच्छी सी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, आप सबको गुड मॉर्निंग। एक साइड का हो चुका है, बट जो प्लान आउट सोच रहा हूँ ना, वो मैं पहले करने से पहले पहले तो खाना चेक कर लूँ। खाने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे जानवर मर गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पिग वाला एरिया बहुत जल्दी से खाली हो रहा है, तो उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। एंड इधर भी अगर चलते, इधर काफ़ी समय से मैंने खाना भरा नहीं, तो भरने की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि इनकी क्वांटिटी अब अच्छी है, 40-40 पे चल रहा है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते, क्योंकि उस कुक की जो कैपेसिटी है वो इतनी है कि 40 कुक एक बार में आ सकते हैं, 40 मुर्गियाँ उसमें एक बार में आ सकती है, उससे ज़्यादा वो पैदा भी नहीं हो सकती, तो वो 40 पे ही फिक्स रहेगी। तो ठीक है, मेरे पास टोटल 80 मुर्गियाँ है ये समझ के चलो, क्योंकि दो कुक है। तो और इधर चलते एक बार खाना चेक कर लेते हैं। यस, खाना पता है, अगर इधर चेक नहीं करो तो दिक्कत। कितने बड़े बड़े सुअर हो गए, बट अभी इधर फोकस करने का टाइम नहीं है, अभी फटाफट से उधर फोकस करने का टाइम है। हालांकि वहाँ पे एक खर्चा बहुत खतरनाक दिख रहा है मेरे को, बट कुछ कर नहीं सकते, वो करना ही पड़ेगा मेरे को। वो जो बन जाएगा ना, उसको अपन तोड़ देंगे, वो थोड़ा सा क्या बोलूँ, नुकसान में गिना जाएगा, क्या करें अब, लेकिन करना पड़ेगा। उसके अलावा ऑप्शन दिखा नहीं मेरे को, कुछ भी नहीं दिखा। इधर नहीं, अच्छा इधर नीचे, रुको रुको रुको, मैं क्यों यहाँ पे फ्लोर कर रहा हूँ, इधर ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत पड़ रही है इस साइड, तो एक फ्लोर यहाँ पर डाल देता हूँ बस, उसके बाद आराम से फिर इस पर बनाता रहूँगा जो भी बनाना है। ये फ्लोर बना दूँगा, फ्री हो जाऊँगा, फ्री हो जाऊँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, फ्री हो जाऊँगा। चलो गाइस, फ्लोर पे थोड़ा खर्चा है ये बात, मैं नीचे कहाँ से आ गया, अरे मैं नीचे कहाँ से आ गया, ये फ्लोर पे थोड़ा सा खर्चा है, बाद में मैं तोड़ दूँगा, बट फिलहाल के लिए अभी तीन लग रहे लगा देते हैं यार, ठीक है थोड़ा सा तो सही है। सीढ़ी लगा देते हैं और ये वाला सीढ़ी तोड़ देता हूँ, ये वाली सीढ़ी का कोई काम नहीं। ये जो 3-4 प्लैंक मिले ना, इससे फटाफट से ये कर लेते हैं रेडी। कहा गया भाई, मेरे जबरदस्ती की लकड़ी ख़राब हो रही है, पता है मेरे पास प्लैंक की कमी तो नहीं है, बट जबरदस्ती ख़राब कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन भी नहीं है ना मेरे पास, नहीं तो करूँगा कैसे। एक सीढ़ी यहाँ लगा देता हूँ भाई, सीढ़ी भी अलग से लगाना पड़ेगा, सारे कारनामे आज ही हो जाएंगे मेरे सारे के सारे। देखता हूँ मैं जहाँ तक हो पाए, जहाँ तक तो करूँ, पहले तो एक बार ब्लूप्रिंट बन जाए ना, उसके बाद भाई सब तोड़ दूंगा मैं, सब तोड़ दूंगा। चलो भाई यहाँ पे चलो, एंड ब्लूप्रिंट फटाफट से रेडी करो। अब देखो ना कितने खूबसूरती से लगेंगे ये, लो 1-2, अब नीचे आया तो नहीं लगेगा। अरे यार अरे कितना परेशान है ये गेम करता यार। अरे यार एक प्लैंक और लगेगा, इसको तोड़ना भी पड़ेगा बाद में। चलो फाइनली धूप तो निकली गाइस, भाई जब से सिर्फ काम करो तो सिर्फ बारिश ही हो रही है, बट मेरे को लग नहीं रहा कि इतने से प्लैंक में हो पाएगा। एंड मैं अभी इसको तोड़ूंगा नहीं गाइस, इसको मैं भी तोड़ूंगा नहीं, तुमको क्या लगा मैं इसको तोड़ दूंगा, ना 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 ना, अभी तो सेंटर पार्ट भी बनाना है, रुक जाओ, सेंटर पार्ट पे भी तो काम करना है, सारा करने के बाद इसको तोड़ेंगे। अरे साहब गिर गया, फिर से जीरो से स्टार्ट। यार हर जगह इतनी पनौती क्यों चल रही है आज, धीरे धीरे कमर मटकाते मटकाते चल, गिरना नहीं भाई। दो भाई कितना रिस्की काम है यार ये, लग जा, लग गया भाई, कैसे लगा रहा हूँ मैं, अरे नहीं लगेगा। अच्छा यहाँ पे मेरे को पहले वो लगाना पड़ेगा, रुक जाओ, मैंने पहले सोचा कि ऐसी लग जाएगा, नहीं। और हाँ एक और चीज़ मेरे को यहाँ पे लगाना है, वो कहा गया, ये लगाना है, बट एक मिनट रुक जाओ, ये देखने दो, हाँ पहले इसको तोड़ देता हूँ। चलो बेटा तुम्हारा काम खत्म। यार इससे ग्लास नहीं मिलता क्या यार, अरे लग जा मेरे भाई, ओ हाँ लग गया भाई, बच गया, मेरे को लगा भाई नहीं लगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट यहाँ से तो फिर तो ये भी लग जाएगा, देखो यहाँ से ये सब लग रहा है बट वो नहीं लग रहा जो लगना चाहिए। फाइनली गाइस ये कंप्लीट होने, अरे नहीं यार क्या तकलीफ है इस गेम को यार, मेरे से पता नहीं इतनी मेहनत करवा रहा ना आज, आज भाई लिटरली बहुत मेहनत हो रही है। अरे मेरे भाई ऊपर लगाना है, क्यों लगा रहा गाइस ये नीचे क्यों लगा रहा है, पगला गया क्या, मेरे को एक और फ्लोर डालना पड़ेगा क्या। अरे यार साहब कितनी मेहनत है इस जगह पे यार, लग जा भाई एक फ्लोर ही लग जा भाई, कहा गया वो लकड़ी यार, भाई कितना इन्वेस्ट कर दिया मैंने लकड़ी जिसको तोड़ना है बाद में जाके, नो वे यार। चलो कोई नहीं यार, ये तो
क्या बोलूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा। अब तो लग जा, अब तो लग जाएगा ना, कि अब भी नहीं लगेगा, अभी भी नखरे करेगा, पता नहीं क्या कर रहा है। रुक जाओ, मेरे को लगता है ना यहाँ का वो ग्लास फिट करना पड़ेगा मेरे को। चल बेटा दो ग्लास दे दे। अच्छा ये पूरा रेडी करने का धोखा मेरे को समझ में आया, उसको रेडी करना पड़ेगा। हर जगह से कुछ ना कुछ कमी पड़ी रही है इसको, कुछ ना कुछ कमी पड़ी रही है इसको। ये हो चुका है, एंड ऊपर का भी वो टाल देता हूँ, तीन तीन दो और चाहिए। भाई बहुत टाइम लग रहा है तो एक छोटे से कंस्ट्रक्शन करने में यार, मेरे को पता नहीं था इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये। नहीं तो भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको तो फिर मैं अलग से करता, फिर इसमें दिमाग ही नहीं लगाता। अरे यार फिर ग्लास लेने जाना पड़ेगा, चलो यहीं से कूदो ना डायरेक्ट, बाद में ला के और लगा देंगे। पहले वो पूरा जीरो से मतलब जीरो जीरो तो हो जाए पूरा, फिर समझते करना क्या है, फिर समझेंगे जो भी होगा होगा, कलरिंग वलरिंग। फिलहाल तो इसको कर देते यार, कंप्लीट करें। कहा गया ये रहा, अरे हो जा मेरे भाई। चलो ये रेडी हो गया, अब नहीं लगाना भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ छोड़ दूंगा इसको, जितना बना बस उतना ही बनाऊंगा। अब लग जा भाई लग जा। झुक के क्यों चल रहा, अरे ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। एक बात बता, इसको मैंने हटाया ठीक है, इधर मैंने एक ये लगाया, ये इधर झोपड़ा क्यों बना रहा, ऊपर बनाना भाई ये है ना, इसको ठीक करना चाहिए भाई। मैं तो माँ कसम मैं मार दूंगा अब इसको। एक सीढ़ी बनानी पड़ेगी मेरे को, रुक जाओ गाइस, इसके लिए एक सीढ़ी बनानी पड़ेगी मेरे को, ऐसे नहीं चलेगा ये। पहले मैंने सोचा ऐसे चल जाएगा, लेकिन नहीं चलेगा भैया, ये ऐसे थोड़ी चलाएगा भाई। सीढ़ी के लिए फिर प्लैंक लेकर आऊँ भाई, प्लैंक तो ऐसा ख़त्म करे ना आज मैंने इस चीज़ को, सिर्फ डेवलप करने के लिए, इस बेस को डेवलप करने के लिए इतना खर्चा कर दिया मैंने आज, इतना खर्चा कर दिया कि मैं क्या बोलूँ भाई। पीछे का रेडी हो गया, आगे का वाह साहब, कुछ भी हो रहा है आज कुछ भी हो रहा है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास जवाब नहीं है इस चीज़ का। मैं इरिटेट हो चुका हूँ इस जगह से भाई, मैं एक अच्छा खासा पूरा बेस बनाने का सोचा, लेकिन नहीं भैया ये तो बेस बनाने नहीं देंगे। वाह मैं ही अटक गया, चलो आ गया, देखते अब तो बन जा मेरे भाई, अब नहीं बनाना तो भाई मैं मार दूंगा इसको, मैं छोड़ दूंगा गेम। वाह अब लग रहे हो तुम वो कही गए। चलो गाइस इसको तोड़े, भाई प्यार से तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। चलो ओ एक मिनट गड़बड़ हो जाएगी, एक गड़बड़ हो गई, उसको तो अपन बाद में समझ लेंगे। इसको पहले रेडी करो, इसको रेडी करो भाई, एक गड़बड़ तो पूरी गड़बड़, रुक जाओ गाइस, भूल ही गया था यार वो तोड़ूंगा तो सब टूट जाएगा, इसको रेडी कर दो। चलो गाइस एक काम करते हैं, इसको रेडी कर लेते भाई, अब है ना रहा नहीं जा रहा, जो बचेगा वो बचेगा, वो अपन बाद में करेंगे, अभी दिमाग नहीं लगा रहा मैं अब इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लैंक डालो और काम करो, क्योंकि खर्चा बहुत हो चुका है इस पर, सीढ़ी वीढ़ी में सब बकवासपंती में बहुत खर्चा हो गया। अब ये गलती नहीं करेंगे अपन, को फटाफट से करते तो हो गया, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ऊपर वाले देखते हैं ये हो गया। एक मिनट इसमें कब मैंने ग्लास लगा दिया, इसमें ग्लास कब लगाया मैंने, पता नहीं कब लगा दिया, मैं भूल ही गया इसमें ग्लास लगाना। चलो ये भी हो चुका है, थोड़ा सा और बचा है, फटाफट से और ले आते और फटाफट से लगा देते। भाई पूरा प्लान ख़त्म कर दिया यार मैंने, सिर्फ इसको अपडेशन करने के चक्कर में। चलो गाइस इसको भी लगा देते, लग जा मेरे भाई लग जा। एक आ गए प्लैंक, और लगा दो इसको, और लगा दो, जितने सारे लगा दो, सारे के सारे जितने हैं सब लगा दो, कुछ नहीं बचना चाहिए यहाँ पे। इसको एक बार कंप्लीट कर दिया, इसको कभी नहीं तोड़ूंगा भाई, आप आज तो कसम खा लिया मैंने कि इसको कभी नहीं तोड़ूंगा मैं। अरे बना तो सही दिया मैंने, बट दिक्कत यह है ना बस एक छूट गया बस, बाकी सब तो ठीक ठाक हो चुका है। यार रैंच वाले को कुछ करना चाहिए यार, इनका गेम है ना थोड़ा तो गड़बड़ है यार, मतलब जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है, मतलब बहुत सारी अभी भी इसमें ड्रॉज है जो मेरे को दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से इनको फिक्स करना चाहिए यार, ये तो गड़बड़ है यार। चलो यहाँ पे भी बहुत सारे प्लैंक्स है मेरे पास, चलो एक बार उठा लेते सबके सब, ये लेट क्यों जाता है, बैठ क्यों जाता है। और यार गाइस जितने मेरे को प्लैंक्स चाहिए थे अभी के टाइम के लिए उतने तो मैंने ले लिए, बट मेरे को अभी है ना थोड़े से ग्लासेस भी लाने हैं, क्योंकि इन सबको कंप्लीट करने के लिए मेरे को ग्लासेस की भी ज़रूरत है। मैं सोच रहा हूँ ना अभी के टाइम पे मैं गाड़ी को इधर ही लगा देता हूँ, धीरे चल धीरे धीरे भाई ये इसको संभाल नहीं पाता, मैं तो एक चीज़ समझ गया। अरे उड़ जा मेरे भाई, ये कैसा है भाई जब देखो बैठ जाता है यार। चलो गाइस एक काम करते हैं, कुछ ग्लासेस ले आते हैं, मैं पैदल ही जा रहा हूँ क्योंकि पास में ही है अपना, तो मैं सोच रहा हूँ पैदल ही पैदल जाके फटाफट से कर दें, वैसे तो दो लगेंगे तो मैं सोच रहा हूँ दोनों के दोनों अभी गाड़ी के अंदर रख देते हैं, और बाकी चीज़ें अपन बाद में उसको कन्फर्म करेंगे चीज़ों को, अभी तो फिलहाल इसको दो ग्लासेस अपन यहाँ पर रख देते हैं। ओके रख जा, एक काम करते हैं इस पर रख देते, बग्गी पर रख देते, एक और लेकर आना है, दो में मेरा हिसाब से आराम से हो जाएगा, दो बैग्स में 20-20 है और ज़्यादा 3-3 4-4 लगते तो ज़्यादा नहीं लगते,
तो दो में तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, आराम से हो जाएगा। चलो 20 का इको ले आते हैं। हालांकि मेरे को ग्लास ज्यादा यूज नहीं करना था, बट मैंने पुराने ग्लास तोड़े और उसकी जगह नए ग्लास लगा रहा, तो उतना लैग नहीं होगा, बस टेंशन नहीं रहेगा अपने को। चलो गाइस इतने तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, और अब चलो भाई ऊपर चलते और ऊपर जाके देखते क्या क्या करना है। अभी तो बहुत कुछ बचा भाई, लाइटिंग का पूरा काम बचा हुआ है क्योंकि सारे के सारे मेटल पड़े हुए, तो मेटल्स मेरे को वापस से लगाने तो पड़ेंगे। चलो गाइस कहा गया, फिर बारिश होने लगी क्या? अरे यार एक तो ये रेंच से तो मैं अलग ही परेशान हूँ। किधर किधर बचा था, इसमें बचा है, किसमें, इसमें, अच्छा इसमें बचा है, इसमें, ओके अभी तो प्लैंक्स और लगेंगे गाइस, अभी तो और लगेंगे, अभी तो इस साइड का पूरा बचा ही है। इधर लगाए कि इधर लगाए? इधर लगा देता हूँ फिलहाल के लिए। चल भाई थोड़ा सा और अपन बर्बाद कर देते प्लैंक्स, क्या कर सकते भाई, बहुत बर्बाद हुए प्लैंक इस बार तो, बहुत ज़्यादा बर्बाद हुए, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा बर्बाद हुए। बताओ इतने से चीज़ के लिए मेरे को है ना पूरा का पूरा सिस्टम बनाना पड़ा मेरे को। चलो गाइस ये भी लग गया, ओह फाइनली गाइस। चलो गाइस फाइनली अपना ऊपर का फ्लोर होता, अरे यार मैं गिर क्यों रहा हूँ, रुक जाओ वो तो सही कर दूंगा मैं बाद में। हाँ गाइस फाइनली इट्स डन, इसको सिर्फ तोड़ना है, दैट्स इट गाइस। फाइनली गाइस हमारा ये बन चुका है, ये पूरा का पूरा बन चुका है गाइस, पूरा का पूरा बन चुका है। और हाँ एक जगह मेरे को कुछ प्लैंक्स लगाने हैं तो वो भी लगा देते हैं। फाइनली इट्स डन, इट्स टोटली डन। एक काम करते हो थोड़ा सा और प्लैंक ले आते, कहा गया यार प्लैंक प्लैंक प्लैंक, कितनी बारिश हो रही है यार, एक तो इतनी बारिश नहीं होनी चाहिए यार। चलो थोड़े से प्लैंक्स और लगा देते हैं, और हाँ एक का जो बचा है ना प्लैंक, जिसमें अपन सॉरी जिसमें अपने फेंस नहीं लगाया, इस वाले में जो फेंस नहीं लगाया साइड में, तो मैं सोच रहा हूँ ना इसको कल के एपिसोड में परसों के एपिसोड में अपन इसको शिफ्ट कर देंगे। तो ऑलराइट गाइस अपना ये तो रेडी हो चुका है, अब अपने को करना है थोड़ा कलरिंग, जो कि ऑरेंज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, एंड इस साइड क्या कॉम्बिनेशन है वाइट एंड ब्लैक का, तो ऑरेंज वाइट ब्लैक चाहिए है ना, और कुछ तो नहीं चाहिए ना, ऑरेंज वाइट ब्लैक, तो तीन कलर कॉम्बिनेशन चाहिए और तो अपना काम हो जाएगा। चलो गाइस फटाफट से अब है ना फाइनली बन चुका भाई, देख रहा हूँ यहाँ से भी गेट लगा सकते हैं ना, ओ नाइस। चलो यहाँ से भी लगा देते, यहाँ से भी लगा देते, यहाँ से भी लगा देते, यहाँ से भी लगा देते। ऑलराइट गाइस एक साइड की लाइटिंग तो हो गई है, अब दूसरे साइड की भी लाइटिंग करनी है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ पहले ये प्लैंक्स को पूरा का पूरा शिफ्ट कर देते, क्योंकि इसकी अभी मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जितने भी प्लैंक्स ये थे उतने अपन ने लगा दिए, और जो लाइट्स है लाइट के लिए देखते क्या कर सकते हैं फिलहाल के लिए, और बाकी चीज़ें तो चलो ये रख देते, मैं अभी सोच रहा हूँ इसको रख देता, इसकी कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि इसके बाद अपन दूसरी एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि अपने को कलरिंग का पूरा काम बचा हुआ है, तो कलर भी अपन लेके चलते फटाफट से, जो कि थोड़ा सा जैसे सेम कलर पे रखेंगे अपन, सोच रहे अलग कलर नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर ऊपर का फ्लोर अलग हो जाएगा, नीचे का फ्लोर अलग हो जाएगा, वो अपन नहीं चाहते, अपन चाहते हैं कि सही कलर रहे, तो टेंशन नहीं रहे अपना। तो चलो अरे कहा गया प्लैंक तो उठा, चलो इसको लगा दिया। ऑलराइट गाइस एक बार चेक कर लेते हैं क्या स्टेटस है, ओके ख़राब होने के कगार में, मेरे को फटाफट से इसको निकालना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। चलो गाइस फटाफट से निकाल देते, अगर एक आध भी ख़राब हो जाता है तो हम बाद में आके इसका प्लांट लगा दूंगा, टेंशन नहीं, पहले इसको अपन खाली कर दे, ये अगर नहीं कराना तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे, मेरी जो मेहनत इतनी कल जो करी है मैंने पूरी की पूरी फसल मेरी ख़राब हो जाएगी, तो ये नहीं चाहता मैं। चलो एक प्लांट और ख़राब हो गया, दो हो गए, दो हो चुके यार, ज़्यादा नहीं ख़राब हुए। चलो फटाफट से इसको रख देते, इसको भी कर देते एक दो। चलो गाइस मैं इसको फटाफट से करता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। ऑलराइट जितने भी मेरे को पाइनएप्पल्स निकालने थे सारे के सारे निकाल दिए, कुछ पेड़ ख़राब हो गए, बट टेंशन नहीं। ग्रेप्स का क्या स्टेटस है? ओके ग्रेप्स ऐसे ग्रेप्स तो ख़राब होने कगार में आ गई, ओ निकालो जल्दी निकालो निकालो यार, मेरे को पता ही नहीं था कि ग्रेप्स इतने जल्दी ख़राब होते यार, बस थोड़ी देर में ख़राब हो जाते गाइस। एक तो ख़राब भी हो गया जो निकल नहीं रहा, अरे यार ये तो गलत लोचा हो गया गाइस। चलो इसको भी कर देते, इसको भी कर देते, एंड इसको भी बात, एक मिनट ये नहीं निकला, ये भर गया, ओके कोई दिक्कत नहीं भरने दो। एक और रखा हुआ है भाई, नहीं नहीं पानी नहीं पानी नहीं, लो ख़राब हो गया, यहाँ से भी नहीं निकल रहा, 100% हो गया। मेरे तीन ग्रेप्स के पेड़ ख़राब हो चुके हैं। चलो गाइस ये तो हो चुका है, अब फटाफट से अपन चलते हैं सोते हैं, और सुबह उठते सीधे कलर प्रोसेस करते फटाफट से गाइस। ऑलराइट गाइस गुड मॉर्निंग हो चुके, बहुत प्यारी से गुड मॉर्निंग हो चुके, फटाफट से चलते हैं, अभी तो छोड़ो फार्म का भी छोड़ो, अभी इधर का कंप्लीट करें, एंड यहाँ पर चलते हैं कलर्स उठाते, कलर्स कहाँ, चलो ब्लैक चाहिए, ऑरेंज चाहिए, व्हाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, तीन कलर चाहिए मेरे को, तो तीनों कलर उठाते हुए ले चलते, सारे के सारे रखे हुए मेरे पास,
ब्लैक इस बहुत सारा है मेरे पास, ब्लैक का टेंशन नहीं है, ब्लैक का तो पूरा फुल्ली लोडेड है अपने पास, बट ब्लैक की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है क्योंकि मेरे को सिर्फ फेंस में लगाना है एंड ऑरेंज की जरूरत है थोड़ी सी, तो ऑरेंज ले चलते हैं। अच्छा फ्लोरिंग पे भी तो लगेगा मेरे को ब्लैक, ओके रखना पड़ेगा मेरे को, ऑरेंज ले चलते हैं एंड ये भी ऑरेंज ले चलते हैं एंड व्हाइट की बहुत कमी दिख रही है मेरे को फिलहाल, तो देखते हैं चलो क्या करते हैं, अब इतने तो ले चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ ब्लैक का एक डब्बा और ले लेते, पांच वाला ले लेते, चलो गाइस फटाफट चलते हैं, एक साइड का तो कंप्लीट करें फिर बाकी का अपन समझते क्या करना है। ऑलराइट गाइस हम लोग आ चुके, पहले तो भाई ये बाहर वाले एरिया को सही करो, ये जब से गड़बड़ पड़ा हुआ है, ये अंदर साइड से ऑरेंज करो, ये भाई कब से गड़बड़ पड़ा हुआ है। और छत में क्या सोच रहा हूँ, छत व्हाइट, व्हाइट करना था लेकिन व्हाइट की कमी है यार, चलो कोई नहीं होन दो, ठीक है चलता है। वैसे तो लगभग अपन ने कम्प्लीट तो कर ही दिया इधर का, चलो इधर का हो जा मेरे भाई, और इधर का अपने क्या करना, ऑरेंज करना है। फ्लोरिंग क्या करूँ, अच्छा फ्लोरिंग तो मेरे को ऑरेंज एंड वो करना है ना यार, गाड़ी में इधर लगाता हूँ ना मैं, उधर क्यों लगा रहा हूँ, रुक जाओ गाइस, गाड़ी में यहाँ लगाता हूँ ना, इजी होगा एक्सेस करने में इसको, फटाफट से अपन गाड़ी को ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे एक्सेस अपना इजी हो जाए। ऑलराइट इधर ही लगा देता हूँ मैं, ये सबसे बेस्ट है, चलो यहाँ से अपना सारा काम हो जाएगा। अपने को चाहिए फेंस, फेंस किस कलर का, फेंस शायद व्हाइट कलर का है ना, रुक जाओ नीचे देखते हैं, फेंस व्हाइट और ये ब्लैक है, तो इसको ब्लैक मारो, ये सारे को ब्लैक मारो, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, भाई क्या सही लग रहा है यार, लेकिन धीरे धीरे सही टर्न हो रहा है वैसे तो ये। एंड ये वाले पार्ट को देखते बात की बात समझेंगे, इसको यहाँ रख दो एंड व्हाइट देना पड़ेगा इसको, व्हाइट यार व्हाइट तो खत्म ही हो गया यार, चलो फिर ऑरेंज पे काम करते हैं, ऑरेंज 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 यहाँ पे, ऑरेंज 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 भी खत्म हो गया, बताओ साहब। मैं क्या सोच रहा हूँ फ्लोरिंग ऑरेंज कर देता, व्हाइट पे नहीं करते, रुक जाओ फ्लोरिंग ऑरेंज कर देते, बाकी चीजें वाइट करना पड़ेगा यार मेरे को। भाई ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बीच में, वाह साहब मैं फिर गिर गया। ऑलराइट गाइस ये भी हो चुका है एंड इसको भी फटाफट करते हैं, ये हो चुका है ऑरेंज, लगभग ऑरेंज हो चुका है एंड इधर का रूफ जो होता है वो अपना ब्लैक होता है, तो फटाफट से इसको ब्लैक कर देते गाइस, उसको अपन करते हैं फटाफट से कम्प्लीट। ये भी ब्लैक हो चुका है, ये भी ब्लैक हो चुका है, ये भी ब्लैक एंड दिस इज ऑल्सो ब्लैक, लगभग सारी चीजें अपन ने ब्लैक तो कर दी इधर की एंड बाहर से भी, अच्छा इधर से तो ब्लैक करना पड़ेगा एक। ओ ब्लैक की कैसे कमी हो रही है मेरे पास, ये है तो एक और डब्बा, क्या यार कमी थोड़ी हो रही है, सही हो रहा है, चलो इधर देखते एक इधर एक इधर, चलो ये तो हो चुका ब्लैक। अब द थिंग इज दैट कि मैं ऐसा करता हूँ, इस पर चढ़ता हूँ और इसके ऊपर चढ़ सकता, यस मैं इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ, रुक जा धीरे चढ़ना पड़ेगा, अब कलर कर सकते, हाँ अरे कलर कर सकते गाइस, धीरे धीरे आगे चलो थोड़ा, धीरे धीरे पीछे पीछे पीछे, गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं, और थोड़ा सा और आगे, एक ऑरेंज दो ऑरेंज, चढ़ सकता हूँ क्या मैं, नहीं चढ़ सकता अरे यार चढ़ ही नहीं सकता, रुक जाओ गाइस फिर से करना पड़ेगा मेरे को। ऑलराइट गाइस फाइनली हम लोग का एक चीज तो कम्प्लीट हो चुका है कि हमने डबल फ्लोरिंग कर दी इसको एंड डबल फ्लोरिंग में दिख तो बड़ा प्यारा रहा यार, डबल फ्लोरिंग अपना काउ फॉर्म क्या प्यारा लग रहा है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो बस इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, क्योंकि अपन इसको कल कलर करेंगे एंड काउस को लेकर आने वाले, तो नेक्स्ट एपिसोड में आना, इसको अपन कंटिन्यू करने वाले, बट इसमें बहुत मेहनत लगी है, दिमाग खराब हो गया दो फ्लोर को कंप्लीट करने में एंड इट इज रियली अ हैट्रिक, बहुत हैट्रिक था गाइस, फाइनली हमने डन कर दिया। और इतनी मेहनत के लिए प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर पूरा वीडियो देखा है तो जरूर, मैं चाहता हूँ कि आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।